25.3, इसमें हम ऐड करना है 23.7, हाउ मच 23.7, अब हमें यहाँ पे 7 ऐड करना है, 7 ऐड करने के लिए हमारे पास 5 और 6 है, मतलब 7 नहीं है, 7 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके अगले स्टेप से पहुंचेंगे, +10 -3, 7 ऐड हो गया, अब हमें करना है 23, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 20, आंसर इज 49.0। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 48.32, इसमें हमें ऐड करना है 38.48, यहाँ पे हमें 8 ऐड करना है, 8 ऐड करने के लिए +10 -2, फिर हमें यहाँ पे ऐड करना है 40, यहाँ इसके लिए डेसिमल के बाद का हमें 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करने के लिए +5 -1, अब यहाँ पे हमें ऐड करना है 8 हमारे पास है नहीं, 8 हमारे पास है नहीं, तो 8 ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, +10 -2, +10 करने के लिए +10 -2, अब यहाँ पे हमें ऐड करना है 3, आंसर इज 86.80। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जो सबट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। चलिए पहला एग्जांपल है 22.5 -10.2, मतलब इसमें से हमें 10 माइनस करना है और यहां पे 2, -2 करने के लिए -5 + 3, और हमें -10 करना है, 1 का प्लेस 10 का प्लेस -10, आंसर इज 12.3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अबेकस के ऊपर करते हैं, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल्स के बाद का नंबर कौन सा है, डेसिमल्स के पहले का नंबर कौन सा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है 4.3 -2.5, अब यहाँ पे हमें -2 और यहाँ पे -5 करना है, 5 करने के लिए माइनस हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे, -10 + 5, अब हमें क्या माइनस करना है, -2, आंसर इज 1.8। आई होप ये सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर होंगे, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।